दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मैरी बार्टन बाय एलिजाबेथ गैस्केल। ये एलिजाबेथ गैस्केल की लिखी हुई फर्स्ट नोवेल थी जिसको 1848 में पब्लिश करवाया गया था और इसकी सेटिंग रखी गई है मैनचेस्टर इंग्लैंड में 1839 से 1842 के बीच। और दोस्तों इस नोवेल का सब टाइटल है अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ। ये एक विक्टोरियन वर्किंग क्लास फैमिली की स्टोरी है। और दोस्तों एक बात और कि इसका सब टाइटल ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी नोवेल का सब टाइटल हमको, अगर कोई किसी नोवेल या प्ले का कोई सब टाइटल हो तो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सब हो गए इसके की फैक्ट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके प्लॉट को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है दो फैमिली से। पहली फैमिली जॉर्ज विल्सन की, जो अपनी वाइफ जेन और अपने दो जुड़वा बच्चों को लेकर मैनचेस्टर के बाहर की तरफ कुछ खेत बने हुए हैं वहाँ पर हॉलीडेज मनाने गया हुआ है। अब दूसरी फैमिली यहाँ पे है जॉन बार्टन की, जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ में, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मिसेस बार्टन के साथ में और अपनी 13 साल की लड़की बेटी जिसका नाम है मैरी, इन तीनों की फैमिली भी यहीं पर मैनचेस्टर में इन खेतों में हॉलीडेज़ मनाने आई है। तो ये दोनों फैमिलीज़ यहाँ पर हॉलीडेज़ मनाने आई हैं। तो दोस्तों अब ये दोनों लेडीज़ जेन और मिसेस बार्टन आपस में बातें करने लगीं, जबकि ये दोनों मर्द भी वॉक करते करते बातें करने लगे आपस में एक दूसरे से। अब दोस्तों ये दोनों मर्द आपस में चलते चलते क्या बात कर रहे हैं, ये मिसेस बार्टन जो हैं इनकी एक सिस्टर है, एस्टर नाम है इसकी सिस्टर का, मिसेस बार्टन की सिस्टर का, वो कुछ दिनों पहले अपने घर से भाग गई थी, उसी की बातें कर रहे थे ये दोनों मर्द। खैर अभी दोस्तों इस जॉर्ज का एक 17 साल का लड़का है जिसका नाम है जैम विल्सन, इसको मैरी से थप्पड़ पड़ा, ये 13 साल की लड़की जो है मैरी इससे थप्पड़ पड़ा क्योंकि इसने, जैम ने मैरी को किस करने की कोशिश की। अब दोस्तों ये दोनों फैमिलीज बार्टन हाउस में गई जहां पर मिसेस बार्टन ने अपनी बेटी मैरी को कुछ खाने का सामान और एलिस को बुलाने के लिए भेजा। ये दोस्तों एलिस इस जॉर्ज की सिस्टर है और एक नर्स का काम करती है। अब दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अगली ही रात मिसेस बार्टन अपने बच्चे को जन्म देते हुए वो खुद और उनका बच्चा दोनों की डेथ हो गई। दोस्तों ये जॉन ये समझता था कि इसकी वाइफ की डेथ जो हुई है, मिसेस बार्टन की डेथ जो हुई है, ये अपनी सिस्टर के गम में हुई है, मिसेस बार्टन की जो सिस्टर थी एस्टर उसके भागने के गम में हुई है। अब इस बात को 3 साल गुजर गए, तब तक मैरी 16 साल की हो गई थी और ये एक ड्रेस मेकर बन गई थी। मैरी अब 16 साल की हो चुकी है और ये एक ड्रेस मेकर बन गई है, जबकि इसके फादर जॉन बार्टन एक ट्रेड यूनियन में इन्वॉल्व हो गए थे और मजदूरों के हक की बात करते थे। इसके बाद 1 साल और गुजरा जब मैरी 17 साल की हो गई, तो दोस्तों ये एलिस जो थी, ये जॉर्ज की सिस्टर एलिस, इसने मैरी को एक लड़की मार्गरेट से मिलवाया और मैरी मार्गरेट की अच्छी दोस्त बन गई। ये दोनों लड़कियाँ अच्छी दोस्त बन गई। अब दोस्तों मार्गरेट के बारे में आपको बताता हूँ, मार्गरेट एक ब्लाइंड लड़की है, अंधी मतलब धीरे धीरे ब्लाइंड हो रही है, इसकी आंखें जा रही है धीरे धीरे, ये अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है। मैरी को भी पता चला कि मार्गरेट की आंखों में प्रॉब्लम है और ये धीरे धीरे ब्लाइंड होती जा रही है। इस लड़की मार्गरेट को सिंगिंग का बड़ा शौक है, मतलब गाना वाना गाने का शौक है, लेकिन फिलहाल ये सिलाई करके अपना खर्चा चला रही है। अब दोस्तों इस बीच क्या होता है, एक वेल्थी मिल ऑनर का लड़का है, मतलब एक बड़ी फैक्ट्री वाले का बेटा जिसका नाम है हैरी, हैरी कार्सन, उसका अट्रैक्शन इस मैरी की तरफ बढ़ता है और इस मैरी का अट्रैक्शन उस हैरी की तरफ बढ़ता है, तो ये मैरी को पसंद करने लगा। अब दोस्तों इस बीच ये कार्सन की मिल में आग लग जाती है, मतलब ये कार्सन है हैरी कार्सन, इसके फादर की मिल में आग लग जाती है, तो जॉर्ज, ये जॉर्ज जो है ये वहीं पर जॉब करता है, तो इसको जॉब छोड़नी पड़ी, जब मिल में आग लग गई तो इसको जॉब छोड़नी पड़ी और अब जॉर्ज की पूरी फैमिली अकेले जैम की इनकम पर टिकी हुई है। दोस्तों जैम अभी एक मैकेनिक बन गया है, तो अभी मैकेनिक की जॉब कर रहा है। इसके थोड़े समय बाद क्या होता है, जॉर्ज के जो दो जुड़वा बच्चे थे वो भी बीमार पड़ गए और उनकी भी डेथ हो गई। अब ये मैरी इनकी फैमिली को तसल्ली देने आई, जॉर्ज की फैमिली को तसल्ली देने आई, जैम के पास आई, तो जैम ने इसे अपना लव एक्सप्रेस किया, लेकिन मैरी जैम को अभी भी पसंद नहीं करती थी, तो इसने रिफ्यूज़ कर दिया जैम को। अब दोस्तों मैं आपको मैरी का इरादा बताऊं, मैरी का इरादा क्या है, इसका इरादा ये है कि ये हैरी से शादी करेगी, ये हैरी से शादी करने के सपने देखने लगी कि अगर ये हैरी से शादी कर लेती, हैरी की वाइफ बन जाती है, तो ये अपने फादर जॉन को गरीबी में से निकाल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे
मैरी के फादर जॉन ने तो फैसला कर लिया था कि वो लंदन की पार्लियामेंट में जाएगा अपने मजदूर भाइयों की बात रखने के लिए। ये सबको बताने जाएगा लंदन में कि मज़दूरों की क्या बुरी हालत है। तो जॉन अपनी बात रखने लंदन चला गया, लेकिन तब तक मैरी ने ये फैसला कर लिया था कि जब तक मेरे फादर वापस नहीं आते, मतलब अपने फादर की एब्सेंस में, मैं हैरी से नहीं मिलूंगी। लेकिन इसी बीच दोस्तों क्या होता है, इस जॉर्ज की अचानक डेथ हो जाती है। सारे के सारे जॉर्ज की डेथ पर इकट्ठा होते हैं, तो ये मार्गरेट भी जॉर्ज की मौत पर दुख जताने आती है और ये आकर के मैरी को बताती है कि इसको एक सिंगिंग की जॉब मिल गई है। अब कुछ टाइम बाद दोस्तों मैरी का फादर जॉन लंदन से वापस आता है निराश होकर, क्योंकि लंदन की पार्लियामेंट ने इसकी बात को सुनने से भी इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। तो ये अब अपनी जॉब भी खो चुका है और फिलहाल इसको कोई नया काम भी नहीं मिल रहा। अब दोस्तों ये सब तो चल ही रहा था, इसी बीच मैरी को क्या पता चला कि जैम को कनाडा में कोई जॉब मिल गई है और ये जैम किसी और लड़की से शादी कर रहा है। अब दोस्तों मैंने कहानी की शुरुआत में आपको एस्टर के बारे में बताया था, मिसेस बार्टन की सिस्टर जो थी एस्टर, जो भाग गई थी शुरुआत में, वो मैरी के फादर जॉन से मिलती है। ये दोस्तों एस्टर अभी फ़िलहाल एक वैश्या बन गई है, एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है। इसने जॉन को वार्निंग दी, जॉन बार्टन को वार्निंग दी इसने कि तुम अपनी बेटी मैरी को संभालो, वो हैरी से मिलती है और कल को वो मेरी जैसी बन सकती है। इसके बाद इस एस्टर को पुलिस वाले पकड़ करके ले गए, इसको जेल हो गई। अब दोस्तों इस इवेंट के बाद क्या होता है, ये जैम एक बार फिर से मैरी के पास आता है इसको प्रपोज करने के लिए, लेकिन मैरी इसको फिर से मना कर देती है, पता नहीं क्यों। तो जैम बेचारा बार बार मैरी को ट्राई कर रहा था, लेकिन मैरी इसे मना कर रही थी। लेकिन ये जाता जाता इसको बोल करके गया मैरी को कि कल को अगर मैं कोई मर्डरर या शराबी बन जाऊँ तो मुझे ब्लेम मत करना, इतना बोल करके ये वहाँ से चला गया। जैम के जाने के बाद में मैरी को यह एहसास हुआ कि वो उससे प्रेम करती है, तो मैरी ने हैरी को बोल दिया कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इस हैरी ने भी मैरी को बोल दिया कि मैं भी तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहता था, इस गलत फहमी में मत रहो। अब दोस्तों इसी बीच ये एस्टर जेल से रिहा हो गई और रिहा होने के बाद ये जैम से मिली और इसने जैम को हैरी और मैरी के बारे में बताया। अब जैम ने इस बारे में जाकर के हैरी से पूछा कि तुम्हारा मैरी को लेकर के इरादा क्या है, तो इन दोनों में हाथापाई हो गई, जैम में और हैरी में। तो इनके झगड़े को आकर के पुलिस ने छुड़वाया। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैनचेस्टर में मज़दूरों की स्ट्राइक चल रही थी, तो मज़दूरों ने अपनी बात मिल ऑनर्स के सामने रखी, तो मिल ऑनर्स से मना कर दिया विचार करने के लिए, खास करके ये हैरी कट्टर विरोधी था स्ट्राइक करने वालों का। अब ये सारे मज़दूरों ने पब में बैठ करके फैसला किया कि ये लोग हैरी से बदला लेंगे। उसी रात दोस्तों इस हैरी का मर्डर हो गया, किसी ने उसके सर में गोली मार दी और इसके मर्डर के इल्ज़ाम में अंदर किसको किया पता है, जैम को। मैरी को पता चला कि जैम को अरेस्ट कर लिया गया है इस इल्ज़ाम में कि उसने हैरी का मर्डर किया है, क्योंकि उसकी हाथापाई हुई थी ना हैरी के साथ में। और इसी बीच जैम की गन भी मिल गई। अब दोस्तों ये मैरी जैम की माँ से मिलने गई, जेन से मिलने गई, तो इसने मैरी को अपने घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये सब जो हो रहा था जैम के साथ में, उस सब का जिम्मेदार मैरी को ही मानती थी कि मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो। इस बीच दोस्तों जहाँ पर हैरी का मर्डर हुआ था वहाँ से ये एस्टर मैरी के पास एक एविडेंस लेकर के आती है। ये एविडेंस कोई पेपर था जिसमें जैम की हैंडराइटिंग में मैरी के नाम कुछ लिखा हुआ था। तो इसको पढ़ने के बाद में ये एस्टर तो वहाँ से चली गई, लेकिन मैरी ने कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। फिर इसको पता चला कि असली मर्डरर कोई और नहीं, ये जैम नहीं है असली मर्डरर, मैरी के खुद के फादर जॉन हैं असली मर्डरर। अब इसके बाद मैरी के सामने एक बड़ा डिलेमा था कि वो जैम को बचाए या अपने फादर को। अब दोस्तों इस मैरी ने मार्गरेट के ग्रैंडफादर की हेल्प ली जैम को निर्दोष साबित करने के लिए। इन लोगों ने एक लॉयर किया जैम को डिफेंड करने के लिए। इसके बाद ये मैरी लिवरपूल नाम की एक जगह पर गई मार्गरेट के ग्रैंडफादर के साथ में, जहां पर मर्डर की रात ये जैम जाने वाला था। अब दोस्तों अगली सुबह क्या होता है, इस जैम का ट्रायल होता है कि इसने मर्डर किया है या नहीं। तभी वहां पर ये विल आकर के सबको बताता है। दोस्तों विल एक्चुअली वो था जिसके साथ में मर्डर की रात ये जैम था।
तो ये सबको बताता है कि मर्डर की रात में जैम मेरे साथ था। इसके बाद जैम को गिल्टी नहीं माना गया, जैम तो बच गया, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में ये मैरी स्ट्रेस और थकान की वजह से बीमार पड़ गई। इसके बाद जब मैरी ठीक हुई तो अपने फादर जॉन के पास आई इसकी केयर करने को, क्योंकि जॉन भी बिल्कुल मरने की हालत में था। मरते हुए टाइम पर जॉन को यह एहसास हुआ कि जैम ने तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं था, वो बेचारा तो हैरी के मर्डर के केस में ऐसे ही फंस गया। इसकी वजह से उसको इज्जत भी अपनी गंवानी पड़ी और जॉब जो उसको मिलने वाली थी कनाडा में वो भी उसके हाथ से चली गई। तो जॉन ने यह फैसला किया कि वो मरते मरते सबको सच बता करके जाएगा, खास करके हैरी के फादर मिस्टर कार्सन को, कि उसी ने ही उसके बेटे हैरी का मर्डर किया था और मरते मरते कम से कम उसे माफ़ कर दे। मिस्टर कार्सन ने पहले पहले तो उसको माफ़ नहीं किया, हैरी के फादर मिस्टर कार्सन ने पहले पहले तो जॉन को माफ़ नहीं किया, लेकिन बाद में वो मरते हुए जॉन को माफ़ करने के लिए मान गए और जॉन एंड में शांति से मर गया। और फाइनली एंड में सब कुछ अच्छा हो गया, जैम और मैरी ने आपस में शादी कर ली, जैम को कनाडा में जॉब मिल गई। वहीं मिस्टर कार्सन को भी ये एहसास हुआ कि उनकी फैक्ट्री के मज़दूर कुछ ज़्यादा ही परेशानी में हैं, तो अपने फैक्ट्री के मज़दूरों की कंडीशन सुधारने के लिए उन्होंने भी कोशिशें की। वहीं इस एस्टर की डेथ हो गई थी। सालों बाद जैम और मैरी शादी करके कनाडा में खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे अपने बच्चे के साथ में, और इनके बच्चे का नाम था जॉनी। एलिस की भी डेथ हो गई थी। जहाँ तक बात है मार्गरेट की, तो मार्गरेट की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए इसका ऑपरेशन करवाया जा रहा था और अब ये विल के साथ एंगेज हो गई थी, विल के साथ इसकी एंगेजमेंट हो गई थी। और दोस्तों सब एंड में जा करके सही हो गया, सब हैप्पी हो गए। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ दोस्तों।